आज पड्डल वार्ड 13 नगर परिषद मंडी के वार्ड 13 में हमारे समक्ष उपस्थित हैं श्री हरीश जी, जो आज के स्वच्छता अभियान में मुख्य अतिथि हैं, और साथ में अमित जी, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एक्सपर्ट डिस्ट्रिक्ट मंडी के हैं। हमारे साथ इस वक्त पड्डल के ठेकेदार करण, जो अपनी टीम के साथ यहाँ पे हैं। करण, आप एक एक से इंट्रोड्यूस कराइए, इनका नाम बताइए। संदीप, देवी रूप, आशु, कांता देवी, आशा, नैना, बदामो। तो करण, आपसे अनुरोध है, आप एक एक करके आए। और आज का हरीश जी, आपसे भी अनुरोध है। अमित जी, मास्क, जैकेट और ग्लव्स एक। किया गया और हम भगवती अम्बा जी की कृपा से जो है प्रेरणा स्रोत होकर जो है हम दरिया के किनारे में जो लोग पिकनिक स्पॉट बना के जो गंदगी फैला रहे हैं उसको हम यहाँ उठाने के लिए सभी पड्डल की लेबर सहित हम जो है अमित जी के साथ, सर जी के साथ जो है हम यहाँ जो सफाई अभियान कर रहे हैं। हम लोगों से यही आग्रह करते हैं कि नवरात्रों के सब अवसर पर भगवती की पूजा अर्चना के साथ साथ जो है अपने घर के आसपास की स्वस्थ हेतु सफाई अभियान करते रहें, जिससे जी आपके घर में लक्ष्मी की बरकत बनी रहे और अपना शहर और गली और मोहल्ला जो है साफ सुथरा बना रहे, और प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। जब करें भी तो आप उसमें लग सूखे कूड़े में डालें और गीला कूड़ा लग दे के डालें। आप नगर परिषद मंडी का सहयोग ऐसे ही करते रहें, हम आपसे यही अभिलाषा करते हैं। आज वार्ड नंबर 13 में एक स्वच्छता अभियान का किया गया है। इसका मेन कारण यह है कि हम अपने स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग को सुधार सकें। हम चाहते हैं कि जिस तरह से ये आईसी एक्टिविटीज़ की जा रही है, इसमें जो लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आज वार्ड नंबर 13 में ये आईसी एक्टिविटीज़ की जा रही है, और ऐसे ही आगे चलते चलते हर वार्ड में ये आईसी एक्टिविटीज़ की जाएगी। जितना ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन रहेगा, उतना ज़्यादा हमारा रैंकिंग में सुधार रहेगा। तो मैं नगर परिषद मंडी का और सभी सफाई कर्मचारियों व नगरवासियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग के लिए यह भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद।